बहुत चीनी मम्मा है। चलो आज भाई ना है रोजा मेरा और ना है मेरी प्यारी अम्मी जान का। और अब गर्मी आ गई है, मक्खियों वाला सीन भी शुरू हो जाना है। ब्रो आई हेट दिस, मुझे हजम हो गई है। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, यू आर वाचिंग माहिस लाइफ। सबसे पहले जी यार गुड मॉर्निंग तुम सबको। अभी सहरी करके हम लोग नमाज वमाज पढ़ के जी फ्रेशन अप हुए हैं, रेडी हुए हैं। क्यों? हाँ जी पढ़ी है। क्यों मैं नहीं पढ़ सकती? ये छोटे को जी सुबह सुबह हमने काम पे लगा दिया, गाड़ी साफ करने के लिए। चलो भाई जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, लेट हो रहे हैं। अच्छा यार खैर सीन क्या है कि सडनली हमारा कल प्लान बना जी कि छोटी पप्पो की तरफ जाना है, मामू कांजन। सही है, उनका एक बेटा है जो कि टिकटॉकर है। आई शो यू गाइस लिटिल बिट लेटर जब हम पहुँचेंगे। 2 घंटे का रास्ता है, ठीक है, उसको जाके तुम लोगों ने फॉलो कर लेना है। सही हो गया, मतलब हमजा देख लो मैं तुम्हारे इधर वो प्रमोशंस कर रही हूँ। खैर जी अभी बस तैयार शुरू हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने टचअप वाला मेकअप किया, बिल्कुल लाइट से। मम्मा शोर ना डालो ज़्यादा, मैं पहले आस्ता बोल रही हूँ। तो खैर जी अभी बस निकलते हैं, सामान वगैरह रखा गया गाड़ी के अंदर। सही है, एक दो सूट वगैरह रख लिए और जो उनके लिए गिफ्ट वगैरह लिए थे वो भी रख लिए हैं। बेसिकली हम ईदी देने जा रहे हैं, सर ईद अब पास है, तकरीबन जी 1 हफ्ता रह गया ईद के अंदर। हमने सोचा यार ईदी दे के आना बनता है, तो अभी बस यार निकल रहे हैं। तो खैर जी मसला क्या होता है कि उठते उठते 12 बज जाते हैं और फिर बड़ा मसला हो जाता है तैयार होना, निकलना, जाना, मतलब वो सारा दिन वैसे वेस्ट हो जाना था। तो हमने सोचा यार अभी सहरी कर ली है तो उसके बाद बस अब निकलना है तैयार श्यार होके। और अम्मा मुझे, मम्मा नींद में आप, मम्मा को नींद आ रही है यार। एक्चुअली कल मम्मा ने खा ली एक एंटीबायोटिक और एक रिलैक्सन खा ली है ना, और उस वजह से मेरी अम्मा जी आधी नशे में है, सेंसर्ड। खैर अम्मा जी है नींद में हमारी, ठीक है, वो थोड़ी देर सोएंगी, रेस्ट करेंगी। अभी बस यार निकल रहे हैं, बस 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 बाद में मिलते हैं। 2000 years later यार मतलब आप लोग मेरा हिसाब लगा रहे हो कि मतलब सुबह के 5:30 बजे मैं उठ के ऐसे तैयार शार हो चुकी हूँ ना, मतलब क्या ही। मम्मा यार आप हैरान परेशान नहीं हुई वैसे आज, है ना? अभी खैर 5:30 हुआ है, वो सामने देखो यार इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग। आई होप कि तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा। अभी बस हम लोग निकल रहे हैं और बस यार चलो सही है। अच्छा यार अभी हम लोग जी हैं रास्ते में, 1 घंटे का सफर हो चुका है, तकरीबन आधा घंटा बहुत और लगेगा पहुंचने में हमें। हाँ जी 15-20 मिनट हमें और लगेंगे। और छोटे भाई साहब ने एक अल्टरनेटिव रूट लिया और ये ज्यादा खराब है जिससे हम नॉर्मली जाते हैं। फहद भाई टेल अस योर एक्सपीरियंस। यू नो यार मैं ना 2 साल बाद आया हूँ, पहले हम इसी रोड से जाते होते थे और ये रोड ठीक होती थी। बहुत पुरानी गल है, जो इतो जाइदा है ना? नहीं, बहुत पहले पहले आई थी मैं, 2 साल पहले आया। अच्छा नहीं मैंने तो आई थी, 3 साल हो गए, 3 साल बाद जा रही मैं पप्पो वाल ना, मतलब वही आ जाते हैं मिलन वास्ते फैसलाबाद से, मतलब सीन होके रह जाता है। चलो यार बस अभी हम पहुंचने वाले हैं। उनको फोन वगैरह नहीं किया ना अभी के हम रास्ते में हैं, रात ही बताया था कि सुबह आएंगे, बट उनको ये भी नहीं पता था कि हम सहरी के बाद आएंगे, मतलब अभी कुछ उन्हें नहीं पता। इट विल बी लाइक अ सरप्राइज फॉर देम, है ना यार? मतलब रोड के हालात चेक करो क्या हुआ मम्मा? बाहर की सहरी हजम हो गई है। मैंने भी जो इतनी सी सहरी की थी वो भी हजम हो गई है मम्मा। दूसरे नु बहुत लगता, ड्राइव करने वाले स्टेयरिंग बढ़िया होता ना, तो वो कितने कितने सीन होके रह जाता, मैं पीछे बहुत हिल रही इधर उधर, सारा सीन खराब। पता लगना सी पिंड आए हैं जो तो गड्डी नहीं सी लेके जा रहे हैं। मैं क्या शेयर हो रहा है पिंड वाला निजाम कितना बनवाई पाएगी ना गांव वाली, जाके पता ही ना लगे कि गड्डी पिंडों की आई है। पिछे कुत्ता पै गया गड्डी दे उसको तुमने एज अ पेट रख लिया। भाई हमने लेने थे फ्रूट्स, ठीक है, और बाजार पूरा खाली है और हम खाली हर जा रहे हैं, कोई भी दुकान नहीं खुली, मतलब सारा कुछ बंद था पीछे देखो। मतलब ये इधर एक शॉप खुली है, इसके पास से जी मिठाई मिल सकती है,
और इसके बाद थोड़ी सी ऑप्शन नज़र आ रही है, वो सामने देखो दैट्स बेसिकली लोकल शॉप, इधर से मिठाई शिठाई पैक कर लेते हैं क्योंकि फ्रूट्स वाला सीन अभी हो गया है थोड़ा सा ख़राब, तो कुछ और देख रहे हैं। A few moments later. आज भाई ना है रोज़ा मेरा और ना है मेरी प्यारी अम्मी जान का, और हम सहरी करके ठीक है निकले हैं, थोड़ा थोड़ा खाया था। और मम्मी जिस दिन रोज़ा नहीं होता उस दिन वैसी भूख लग जाती है, मतलब मुझे लग भी गई। और रफात को कह रही मेरे लिए मिठाई शिठाई पैक कर लेना, और वो सामने खड़ा हुआ है ठीक है। मतलब ये कुछ वक्रा ही सीन है, मतलब यार जब आपने रोज़ा रखा होता है ना एक नेचुरली सब्र आ जाता है आप में। मम्मी सही बात है ना ये कि वो लगता ही नहीं है कि आपको खाने की तलब भी है, प्यास भी, और अभी मुझे लग रहा है कि मुझे प्यास भी लग गई है, मुझे भूख भी लग गई है। मतलब ओके दैट इज समथिंग रियली डिफरेंट, आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस राइट नाउ, और आई थिंक कि शायद तुम लोगों ने भी शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा। जिसने किया मेरी जान कमेंट डाउन ऑन दैट। तो जी ये शॉपर आ चुके हैं हमारे पास ठीक है, इसके अंदर हैं जी थोड़ी सी स्वीट, लेट मी शो यू, वो एक एक पीस लेके आया है। और ये लोकल मिठाई है, लोकल मिठाई है, वो खाएंगे दिस वन। आज हम करेंगे अपनी डाइट खराब। 150 रुपया काट लिया है। बहुत चीनी है मम्मा, चलो अच्छा खा रहे तुसी। ते और कि तेनू पिंड दी मिठाई दी दुकान तो डाइट मिठाई लबड़ी सी है। पिंड दी मेरा भाई मेरी अल्ट्रा लेजेंड बेइज्जती कर देता होता है, बट इट्स ओके, इसको यार हक है, ये कर सकता है, बट इसके अंदर बहुत मीठा है यार। अच्छा बनाया यार उन्हें, चीनी बहुत ही है बट टेस्ट बहुत अच्छा ही, बट ऑब्वियसली यू कांट हैव इट बिकॉज़ उसका रोजा रहा और मैं बदतमीज उसके सामने खा रही हूँ। ओके बाय। मैं गाड़ी से निकली हूँ, मुझे फास्ट साहब कहते हैं जी अंदर बैठो, फिर अब दोबारा मुझे कहता उतरो, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर। और वो सामने से कजन चलता हुआ आ रहा है, तेरी नींद नहीं खोलती छेती, दसी जरा काम कार कोई नहीं तेन, हाँ दस कोई काम कार है नहीं तेन, सुबह सुबह ऐसी हालत में इतनी मिलनी शुरू कर देती, तुसी इतनी मिलनी कर लो सारे सारे। चलो यार हम लोग इधर पहुंच गए हैं ठीक है, बाकी चीजों की अपडेट अब बाद में करेंगे, बाय। ये एक्चुअली ना गली में चलते हुए जाना है मैंने, देखो ऐसे सीधे ठीक हो गया यार। आज जेडियां सीढ़ियां ना ये बहुत छोटियां छोटियां आ, ठीक है मैं वड्डी हो चुकी ना, सीढ़ियां हो गई आगे आने तक। किदा है किदा मैं ही कल खोल के देखा तो बिलकुल लुड़ी लगी हुई सी, उपर सी बहुत अच्छी यार। शाम हो चुकी है ठीक है, अफ्तारी का टाइम हो गया, और सुबह से मैंने कुछ चार दफ़ा तो सैरी कर लिया ब्रो, आई मीन पप्पू ने मुझे इतना खिलाया, दो हफ्ते का उन्होंने आज ही खिला दिया, मतलब खत्म टाटा बाय बाय। और हम ये छोटी सी चार पे भी बैठे हैं, मतलब तुम देख रहे हो मेरे पाँव, ये इधर है ये चार पे है। ओके मुझे मम्मा ऐसी क्यूट चार पे घर पर भी चाहिए, ये बैठने के लिए बहुत सही है यार, मतलब दिस इज़ फाइन बैठने के लिए, चिल आउट करने के लिए है ना, बड़ा सही है। अभी यार अफ्तारी वगैरह करके हम लोग निकलेंगे वापसी के लिए, और अब मक्खियाँ भी हैं इधर, अब गर्मी आ गई है मक्खियों वाला सीन भी शुरू हो रहा है ब्रो, आई हेट दिस, मुझे ये पसंद नहीं है। ओके बट अफ्तारी करके वापसी के लिए निकलते हैं, देखते क्या सीन होता है। पुप्पो चाहती हैं हम रुकें, मतलब हम रुक जाएं इनके पास, अब जाएं ना वापस, लेकिन पुप्पो ने तो फिर मुझे 2 साल का खिला देना अगर मैं रुक गई तो। लेकिन अब निकलते हैं वापसी के लिए आफ्टर अफ्तारी, और बाकी चीज़ें अब घर जाके देखते हैं, अपडेट करेंगे क्या सीन है। आज तो क्लिनिक भी ब्रो स्किप हो गया है क्योंकि भाई रिश्तेदार जहाँ आ जाए, फैमिली जहाँ आ जाए वो ज़रूरी है, काम शाम हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, ठीक हो गया। तो बाकी मेरी जान अगर तुम लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लेना क्योंकि व्लॉग मिस नहीं करना, गॉट इट। हाँ हूं तो बेहतर आ रहा, वैसे हूं बेहतर आ रहे, मेरे बाल खराब आ रहे हैं, नहीं हूं तेरे बाल ही खराब, थोड़े यार गाड़ी मार रहा तेरी, पागल हो गए हो, ये भाई मेरा खिसक गया है, की मकसद तेरा इस गल का, नहीं अच्छा चलो यार आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं ठीक है, चला रहा बाय कर दिए, आई सी यू गाइस टुमारो, बाय।